यहाँ पिछले 34 साल से छल हो रहा था, उसी छल को और उसी को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये साफ साफ कहा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, यानी कि रॉकी यादव अपनी माँ को वोट नहीं देंगे। पक्का इससे ज्यादा वोट में तब्दील होगी, हमारे साइलेंट वोटर भी हैं यहाँ। हमारा मेहनत भी रंग लाएगा और इस बार विश्वास करिए कि इस बार हमारी पार्टी यहाँ पक्का से झंडा फहराएगी। खेल कर दिया आप लोगों ने। देखिए खेल करने की क्या बात है, हम यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए, यानी कि रॉकी जी जीत रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपके सहयोग से ना रुकेंगे ना थमेंगे, विकास की ओर कदम बढ़ते चलेंगे। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहे हैं रॉकी यादव। आपको मालूम है कि रॉकी यादव मनोरमा देवी के पुत्र हैं और अपनी माँ के लिए दिलो जान से मेहनत भी कर रहे हैं। बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब की बार बेलागंज में लालटेन बुझा देंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं आपको भी, आप हमारे विधानसभा में चल के आए और चुनावी संग्राम का कवरेज करने आए, उसके लिए मैं भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अच्छा रॉकी जी, ये बताइए कि जो आपने कहा था कि दिन रात हमने एक कर दिया है और ना ही रुकेंगे ना ही थमेंगे, हम देख रहे हैं कि लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, माहौल कैसा है बेलागंज का? माहौल बहुत अच्छा है और लोगों के डिमांड पर हम, हमारी माता जी को एनडीए के रूप में कैंडिडेट का बनाया गया है। तमाम पार्टियों के द्वारा सर्वे कराया गया था, सब सर्वे में हम लोग को आगे बताया गया था और जनता यहाँ बदलाव चाह रही थी, हर समाज और हर धर्म के लोगों के साथ। यहाँ पिछले 34 साल से छल हो रहा था, उसी छल को और उसी को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रभु का कृपा और ऊपर वाले का कृपा और सब हमारे जनता का आशीर्वाद रहेगा तो ये बिल्कुल इस बार बेलागंज में हमारे जनता दल यूनाइटेड की पार्टी का झंडा फहरेगा। बड़ी बात कह दी है, छल हो रहा था, कौन कर रहा था छल? छल जो भी पहले जो यहाँ पर जो सत्तर जो भी जो पहले जो यहाँ पे सुरेंद्र यादव, अब आप जो विधायक यहाँ थे, अब वो, अब मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो थे, हम जो यहाँ भी जो भी विधायक थे उनके, आप नहीं जानते हैं कि वो विधायक थे? तो विधायक थे वो तो सब, ये तो नव निर्वाचित सब, ये तो सर्टिफिकेट पर है, ये हमारे मुंह से आप क्यों बुलवाना चाहते हैं? अच्छा, मुंह से आप हमारे क्यों बुलवाना चाहते हैं? लेकिन रॉकी जी एक बात बताइए, चर्चा तो ये हो रही थी कि इस बार एनडीए के प्रत्याशी खुद होंगे रॉकी यादव, लेकिन अचानक से कैंसिलेशन ऑफ प्लान क्यों हो गया? क्यों आप नहीं बल्कि आपकी माता जी मनोरमा देवी यहाँ से कैंडिडेट हुई, क्या वजह? देखिए ऐसी कोई वजह नहीं है जी, हमारा वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं था। अच्छा। और हमें चुनाव लड़ने का कोई ऐसा हमारा कोई अंदेशा नहीं था। हम जनता का सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, विधायक और एमपी के रूप में नहीं बनना ही मकसद है और जनता जिसको चाहती है वो बनता है। और आगे भी हम विधायक और एमपी बनने के लिए कभी उतावलेपन नहीं रहे, हम लोगों को मदद करते हैं, मैं अपनी माँ को मदद करता हूँ, मैं पार्टी के लिए मदद करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आगे हमारा सही समय और सही सुशासन के साथ, न्याय के साथ विकास जनता के साथ हो और बचपन से हमने सामाजिक न्याय के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ काम करने का काम किया है। हम यहाँ तक 11th 12th में भी हमने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ाई की, क्योंकि मुझे आशा था, मैं कॉमर्स में भी अच्छा था पर लेकिन आर्ट्स में पढ़ाई इसलिए करता था कि मुझे सामाजिक ज्ञान के लिए मुझे बहुत, मुझे मेरा हमेशा रुचि रहा है। लेकिन अभी आपने एक और बड़ी बात कह दी रॉकी जी, आपने साफ साफ कहा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, यानी कि रॉकी यादव अपनी माँ को वोट नहीं देंगे? नहीं, तो ये हमारा जो ये जगह है, हम लोग असली बसिंदा गया टाउन के हैं, तो ये गया टाउन में ये सीट नहीं आती, ये बेलागंज में नगर और प्रखंड आती है। पहले हम लोग का आता था पर लेकिन 2010 में जब परिसीमन हुआ तो चेंज हुआ। चीजें बदल गई। अच्छा ये बताइए रॉकी जी, जो भीड़ हम देख रहे हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को भी कहेंगे कि थोड़ा सा भीड़ का आप मुआयना दिखाइए हमारी जनता को, गजब की भीड़ आई है आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। क्या लगता है रॉकी जी, भीड़ जो है वो वोट में बदलेगी ना? भीड़ में हमेशा हमारी भीड़ वोट में बदली है। आज तक नहीं, शुरुआत से रहा है। जी, जी, जी। भले कभी कोई समय साथ न दिया हो, कभी किसी के साजिश में फंस गए हो तब वो, पर लेकिन हमारा भीड़
पक्का इससे ज्यादा वोट में तब्दील होगी। हमारे साइलेंट वोटर भी है यहाँ, और मैं आपको बताता हूँ कि हर वर्ग हर समाज, अभी देखिए अभी मस्जिद के लखनऊ मस्जिद के नीचे अभी आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ मुसलमान भी दिख रहे हैं आपके, मुसलमान के हमारे सब अच्छे अच्छे कद्दावर लोग हमारे साथ हैं। और मैं अपना मुंह से क्या बड़ाई खुद का करूं, वो वोट में आपको समझ में आएगा कि क्या है, पर लेकिन ये आशा है और ये विश्वास है कि मैं सबके साथ खड़ा उनके कंधे से कंधे मिला के चलूंगा। मैंने ये बोला था कि आप हमारे लिए एक कदम चलिए, मैं 10 कदम करूंगा चलूंगा आपके लिए। और ये बात आप समझ लीजिए कि हम बिल्कुल उनके 34 साल का जो शासन रहा है, और हमें अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी पार्टी की जीत होती है तो कुछ महीने का, हाँ तो 11 महीने में हम जो क्या कर लीजिएगा 11 महीने में। देखिए करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये समझिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी जनता को बताइए ना कि क्या क्या करके दीजिए। मेरा कहना है कि हम पूरा रोड मैप, ये हमारा प्लान बी सब पूरा प्लान हम तैयार करके रखे हुए हैं, और अपने सब वरीय नेताओं को ये अवगत करा दिया, तभी हमको इतना बड़ा चुनौती हमने स्वीकार किया है। उनका भी पूरा साथ और विश्वास हमारे साथ है। आप ये समझ लीजिए कि पानी बिजली सड़क और थाना बीडीओ सीओ, ये सब का समस्या और जो है इसको सब का निदान होगा। और हम लोग हर लोग के साथ भय मुक्त होके और हर वोटर से हम लोग रूबरू हमेशा रहेंगे, और अभी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाई प्रचार नहीं कर रहे हैं, डोर पैदल चल रहे हैं, हम भी आपके साथ ही चल रहे थे पैदल। हाँ जी, तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और आप हमारा मेहनत भी रंग लाएगा, और इस बार विश्वास करिए कि इस बार हमारी पार्टी यहाँ पक्का से झंडा फहराएगी। आपने सुना है सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है कि अब हम अपनी तीसरी नेत्र खोलने जा रहे हैं, खुल गए तो सबको भस्म कर दे। देखिए मेरा बात, सब भस्म हो जाएगा, कहीं रॉकी यादव भस्म ना हो जाए, कहीं मनोरमा देवी भस्म ना हो जाए। देखिए इस धरती पर भस्म करने वाले केवल प्रभु हैं, केवल प्रभु हैं। और अगर कोई अगर ऐसी बात अगर कहता है तो उन पर घमंड सर पर नाच रहा है, घमंड नाच रहा है, नाच रहा है, हाँ अहंकार नाच रहा है। ऐसी शब्द उतने उम्र में हो के, लगभग 70 वर्ष उनका उम्र हो रहा है, अभी तो मैं सुना भी नहीं है बोला, मैं आप ही के माध्यम से जान रहा हूँ कैसा वो बात बोले हैं। अगर वो बोले हैं तो इसका रिजल्ट वो खुद भोगेंगे। देखिए बेलागंज है रॉकी जी, ये आपको मालूम है कि यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार है मैदान में। आपको मालूम है कि एक तरफ सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं डॉक्टर विश्वनाथ, और दूसरी तरफ है जन सुराज से मोहम्मद अमजद। क्या लगता है लड़ाई किससे होगी? देखिए मैडम, हम किससे लड़ाई है ये इस पर हम गौर नहीं फरमाते हैं। हम उस चीज पर गौर फरमाते हैं कि हमको सबसे एक नंबर में कैसे रहना है। अच्छा। कौन हमारे पीछे, उसका कोई हम नहीं देखते। दो यादव के बीच जो लड़ाई है, फायदा जो है कहीं अमजद को ना हो जाए। अब किनको फायदा होगा? हम जात धर्म के राजनीति से ऊपर उठ के डोर टू डोर हर मानव प्रेमी के साथ, एक मानव के रूप में, सबसे एक इंसान के रूप में, इंसानियत के नाते हमने वोट मांग रहा है, और वोट मांग रहे हैं, और इसी इंसानियती के नाते लोग मुझे लगता है ये जो मुसलमान भाई आपके बगल में बैठे हैं वो मोहम्मद अमजद को वोट नहीं करेंगे और मनोरमा देवी को वोट देंगे। दीजिएगा क्या चाचा, यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी, क्यों नहीं देंगे? अमजद को दीजिएगा ना। अमजद भाई जो है सुलेंदर जी के साथ में रह के उसने काम किया है, और पैसा लेकर फिर उसने जो है दूसरा पार्टी बना के फिर अभी घुस जाते। यानी कि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं ना? जी हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के लिए हम नहीं लड़ रहे। अमजद को वोट नहीं दीजिएगा, मनोरमा देवी को दीजिए। जी हमको विकास चाहिए, हमको बेला। क्या बात है रॉकी जी, मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम अमजद को वोट नहीं करेंगे। तो खेल कर दिया आप लोगों ने। देखिए खेल करने की क्या बात है, हम यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आए मैडम, यहाँ हम विश्वास लोगों का जीतने आए और हमारा जो राजनीतिक सफर जो हमारे पिताजी और माताजी का रहा है 2001 से पंचायती राज के शासन काल से हम लोग के साथ, मेरी माँ का शुरुआत से रहा है, तो हम लोग 2001 से हम लोग पूरे जिला का राजनीति किए हैं, एक विधानसभा चाहे एक प्रखंड का नहीं किए। मेरी माँ 3-3 जिला की, एक बार निर्दलीय MLC बनी, फिर 15 में जनता दल यूनाइटेड से बनी, तो हमारा हर वर्ग और हर समाज का एक मेरा अपना जमात के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। ठीक है, भले किसी को हाईलाइट होना, हम लोग अखबारी नेता नहीं है, हम लोग का जो
जनता और लोगों का जो लोकप्रिय है वो अभी आप घूमिएगा तब समझ में आएगा। आप मेरे पीछे लोगों से पूछिए। अच्छा, ये बताइए प्रशांत किशोर कितना डैमेज कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम तो उनको पार्टी के रूप में जानते भी नहीं है, हम तो उनको एक इलेक्शन कैंपेनर के रूप में जानते हैं कि अच्छे इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। अब वो खुद जानेंगे कि क्या हम अपने बारे में बात करेंगे, हम किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है, पिता को आज के वक्त में कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं? पिता होते तो आज बात ही कुछ और होती। देखिए मैम, पिता के ही बनाए हुए लोग, हमारे बनाए हुए लोग नहीं, हमारे पिताजी के साथ रहते थे ये सब, हमारे पिताजी के साथ हमने पिताजी का जो भी लोग है उनको हमने उन्हीं लोग के मांग पर हमने अपने मां को इस बार चुनाव लड़ाने का यहाँ निर्णय लिया। सब लोगों का मांग था कि किसी हाल में आप लोगों को लड़ना है तो हम लोग लड़े हैं, और हर जात और हर धर्म के लोगों से पहले ही हमने पूछ लिया, परमिशन लिया था लड़ने से पहले। अच्छा, हाँ परमिशन लिया था, इजाजत ली थी तब। हाँ, तो ऐसे ही नहीं लड़े, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में आने से इतना लोग हमें कोई सुनने के लिए, कोई हम बहुत बड़े राजनेता और कुछ है नहीं, पर लेकिन लोगों रॉकी बाबा के ही नाम से लोग आपको नहीं 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 रॉकी बाबा ऐसा कुछ नहीं, हम एक बहुत लोग आ रहे थे तो हमने पूछा कहाँ है रॉकी, तो सामने से जवाब आया अच्छा रॉकी बाबा की बात कर रहे हैं। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आपको बोला होगा कोई, हम लोग को प्यार से सब आदमी की इंसानियत से रहते हैं, और सब आदमी हमको कोई भी चीज, हमें सबको पैर छू के प्रणाम, और हर लोगों का दिल जीतने में विश्वास रखता हूं। यानी कि रॉकी जी जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं ये तो प्रभु, ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, पर लेकिन लोगों को कितने मतों से जीतिएगा, कितने मतों? देखिए मैं मतों से जीत, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें नहीं करता हूँ, मैं धरती पर रह के ग्राउंड की बात करता हूँ। ये बात मैं पक्का बताता हूँ कि पूरे जनता का विश्वास हमारे साथ है, मतलब हमारी पार्टी के साथ है, मेरे साथ नहीं, हमारी पार्टी के साथ है, आपकी माता के साथ, हाँ मेरी माता जी के साथ है, और हम लोग को हर वर्ग हर धर्म, मैं आपको लगभग ये 6 बार अभी तक मैं बोला हूँ स्टेटमेंट में, सभी लोगों के साथ अभी मिल रहा है। अभी मस्जिद के नीचे आपके सामने है, तो ये सेक्युलरिज्म का मैसेज देने के लिए बहुत काफी बात है मैडम। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रॉकी यादव ने, बड़ी बात कह दी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।